किसी को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। सभी जगह पे जो वैक्सीन लग रही है पूरी इंडिया में, तो उसको जांच करके लगाया जा रहा होगा, हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे टेस्ट होने के बाद ये वैक्सीन आई है, तो इस पर पूरा भरोसा है। वैक्सीन लगवाना है, कोरोना को भगाना है। मास्क, दो गज की दूरी और साफ सफाई, ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। एक एक वैक्सीन लग रही है तो कोरोना हिंदुस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहा है। देश कोरोना के खिलाफ अब निर्णायक जंग में उतर चुका है। मुंबई के BKC वैक्सीनेशन सेंटर में इस वक्त मौजूद है और खास तौर पर ऑब्जर्वेशन रूम में हम आज पहुंचे हैं, और जिन्हें BKC इस वैक्सीनेशन सेंटर में सबसे पहला टीका लगा, माधुरी पाटिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम कोरोना रुग्णों के लिए 8-8 घंटा काम करते हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है और अभी हमें कोई भी तकलीफ नहीं है, हम दोनों भी बहुत फिट एंड फाइन है। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लग रही है। जिन जिन लोगों को पहले वैक्सीन लगी उनके चेहरे पर कातिल कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन को लेकर खुशी नजर आई। तो आपको वैक्सीन जरूर लेना चाहिए और बिल्कुल जरा भी चिंता मत करिए, मैंने इसलिए ली है, मुझे भरोसा है। I'm fit and fine. भारत देश की यही अपील से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में टीकोत्सव का शुभारंभ किया। इस महामिशन की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है, लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। अब वो दिन दूर नहीं जब कोरोना को हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़ना होगा। कोरोना पर सबसे बड़ी जंग की शुरुआत। एम्स में लगा देश का पहला टीका। यह तस्वीर है कोरोना पर फतह की। यह तस्वीर है हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की ताकत की, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। एम्स में देश का पहला टीका कुछ इस तरह लगा तो पूरा एम्स तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पहला टीका स्वास्थ्यकर्मी मनीष कुमार को लगाया गया और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए मौके पर खुद मौजूद थे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। टीका लगाने के बाद मनीष कुमार ने कहा कि लोगों को बिना किसी शक के टीका लगवाना चाहिए। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद लगवा के आ रहा हूँ, मुझे और अच्छा लग रहा है। बल्कि मनीष कुमार के बाद दूसरा टीका नर्सिंग ऑफिसर धवल द्विवेदी ने लगाया। टीका नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने लगवाया। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने खुद वैक्सीन लगवाया। स्वार्थी तत्व भारत में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। दिल्ली में कुल 81 केंद्रों पर टीकाकरण का महाअभियान शुरू हुआ है। एक केंद्र पर अधिकतम 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। इस लिहाज से एक दिन में 8,100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा सकेगा। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक्टिव मोड में नजर आए। केजरीवाल ने LNJP अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया। मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पे ध्यान ना दें और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ है वैक्सीन। कोरोना से जंग का ये पहला फेज है जिसमें पहले कोरोना से जंग लड़ने वाले रक्षकों को संजीवनी दी जा रही है। अगले चरण में ये दायरा 30 करोड़ लोगों तक फैलेगा। जंग लंबी है, पूरी फतह अभी बाकी है।
नाच गाना, आतिशबाजी और दिन में दिवाली जैसी तस्वीर। यह जश्न है कोरोना पर जीत के पहले कदम की। देश में वैक्सीनेशन के सबसे बड़े अभियान पर पूरा देश झूम रहा है। देश भर में जश्न का माहौल है। जश्न और खुशी की अलग अलग तस्वीर देश भर से सामने आ रही है। मुंबई में तो ऐसा लगा कि मानो वक्त से पहले होली दिवाली आ गई। आतिशबाजी, नाच गाना, गुलाल, सब कुछ देखने को मिला। पूरा मुंबई खुशी से झूम उठा। देखिए कैसे दिन के उजाले में अनार की आतिशबाजी से माहौल खुशनुमा हो चुका है। पटना में तो वैक्सीनेशन की शुरुआत होने के साथ ही लोग हवन करने लगे। मंत्रोच्चार के बीच कोरोना पर जीत की प्रार्थना की गई। हवन की अग्नि में प्रतीकात्मक रूप से कोरोना को भस्म किया गया। जुबा पर मंत्र और हाथों में डबल डोज से हारेगा कोरोना लिखे पोस्टर लिए इन लोगों ने देश की जीत की कामना की। दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के बाद तो मिठाई बंटने लगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एम्स के बाहर लोगों को मिठाइयां बांटी। बाइक और रिक्शे पर सवार लोगों का मुंह मीठा कराया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। आज का दिन वाकई ऐतिहासिक है, क्योंकि आज से ही कोरोना पर फतह की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। अब हिंदुस्तानी वैक्सीन से होगा कोरोना का समूल नाश। इक्कीसवीं सदी में दुनिया में हिंदुस्तान का डंका। दुनिया मांग रही है भारत की वैक्सीन। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया, उस कोरोना का सबसे सुरक्षित टीका हिंदुस्तान ने बनाया है। दोनों वैक्सीन आपके प्राणों की रक्षा के लिए है, देश के रक्षा के लिए है, और हर तरीके से ये वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, और इनका पर्याप्त इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स है। यही कारण है कि दुनिया के कई मुल्क भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। 12 से 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है। इन देशों में अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल हैं। इसके अलावा यूरोप ने भी भारत बायोटेक की वैक्सीन में रुचि दिखाई है। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सेशेल्स और मॉरिशस भी हिंदुस्तानी वैक्सीन मांग रहे हैं। दुनिया के इस भरोसे की वजह है भारतीय टीके का सबसे सुरक्षित होना। दुनिया को हमारी वैक्सीन पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारे यहाँ सियासत के चक्कर में कुछ सियासी दल वैक्सीन पर ही सवाल दाग रहे हैं। सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि आप कोविशील्ड लगवाएंगे या कोवैक्सीन लगवाएंगे? ये तो आपको तय करना है ना कि आप कौन सी दवाई खाना चाहते हैं, कौन सी वैक्सीन लगाना चाहते हैं। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए क्या आम क्या खास, हर कोई अपना योगदान दे रहा है। राम मंदिर के लिए शहर शहर निधि समर्पण अभियान जारी है। राष्ट्रपति से लेकर सियासी जगत की कई हस्तियां दान दे चुकी हैं। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने 1,11,000 रुपए का चेक दिया और लोगों से बढ़ चढ़कर दान देने की अपील की। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5,00,100 रुपए, तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1,00,000 रुपए और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2,00,000 रुपए का चेक दिया। मंदिर निर्माण के लिए हर कोई अपना योगदान देना चाहता है। यही कारण है कि मंदिर निर्माण के लिए 12 घंटे में 23 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा हो चुकी है और 45 दिन में 2,000 करोड़ का दान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये विचार हुआ कि राम अगर सबके हैं, सब राम के हैं, राम अगर भारत को जोड़ते हैं, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान के मंदिर निर्माण में
जनता के समर्पण से दिखना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के लिए हर घर से कूपन के जरिए सहयोग लिया जा रहा है और जिस तरह आम जनता के भीतर मंदिर निर्माण को लेकर उत्साह नजर आ रहा है उसे देखकर विपक्ष परेशान हो गया है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने चंदा अभियान पर सवाल दाग दिए। कोविड न होता तो साल में हम न जाने कितने चंदे देते हैं, चंदे दिए जाते हैं, चंदे लेते हैं, पर्ची कटती है। हर नवरात में देखते होंगे हर जगह पर चंदा बस लिया जाता है। हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं वो दक्षिणा है, चंदा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल प्रोग्राम करना बंद करे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सब पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए बीएचपी ने निधि समर्पण अभियान शुरू किया है जिसके तहत बीएचपी के कार्यकर्ता देश भर में 5 लाख से भी ज्यादा गांवों में 12 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों के बीच पहुंचने वाले हैं। कोई ट्रैक्टर लेकर आ रहा है तो कोई कार और बाइक से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। ये तस्वीरें हरियाणा के फतेहाबाद की। ये किसान 26 जनवरी को दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए राजधानी की तरफ बढ़ रहे। लड़ाई लड़ने को आए आंदोलन में और क्यों आए? जब हम 98 साल के यहाँ पड़े हैं, मरेंगे या मारेंगे, बार पार की लड़ाई लड़के जब हटेंगे इससे। हम दिल्ली आए, दिल्ली में जब आए 26 जनवरी फसल में जाएंगे हम यहाँ नूना जाने के कि हम इन बिलों को वापस करके करने के बाद ही जाएंगे यहाँ से। लेकिन हमारी एक और है, हम 2-3 साल के लिए खेती बोना बंद कर देंगे बाद में आ गए, अगर सरकार नहीं मानती है तो। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान किया। इसकी रिहर्सल की ये तस्वीरें यूपी के शामली से आई। यहाँ भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। दिल्ली में 52 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। कड़ाके की सर्दी के बीच भी किसान दिन रात दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों को धरना प्रदर्शन करते हुए आज 52वां दिन है। 15 जनवरी को हुई किसानों और सरकार के बीच में अहम बैठक भी बेनतीजा निकली, जिसके बाद अब अगली तारीख जो है वो 19 जनवरी किसानों को मिली है। सरकार और किसान के बीच में एक बार फिर से 19 जनवरी को वार्ता होगी। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से जो 15 जनवरी की वार्ता रही है वो भी बेनतीजा निकली, अब क्या उम्मीद लग रही है आपको? कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, संभावना कम दिखाई दे रही है कोई नतीजा निकलने की, क्योंकि सरकार की नियत ही नहीं है। जब तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा जब तक बैठेंगे, अभी तो 26 तारीख को देखना जब ट्रैक्टर मार्च निकलेगा ना, जब सल पर रहेगी किसान। किसान कृषि कानून को रद्द करवाने की जिद लेकर बैठे हैं, तो सरकार अब 19 जनवरी को एक बार फिर बात करके इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेगी। हाईवे पर धू-धू कर जलती बस और कार, कबाड़ की शक्ल में नजर आ रही कारें, ये तस्वीरें जमुना एक्सप्रेसवे की हैं, जहां अलीगढ़ में घने कोहरे की वजह से हाईवे पर कोहराम मच गया। जीरो विजिबिलिटी के कारण हाईवे पर एक एक करके कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के बाद गाड़ियों में आग लग गई तो कई कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक हुआ होगा। बताया जा रहा है कि कोहरा इतना ज्यादा था कि हाईवे पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते ये गाड़ियां आपस में टकरा गई। अलीगढ़ के अलावा मथुरा में भी यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर नजर आया। हादसे के बाद बसों की इन तस्वीरों को देखिए, जब ये हादसा हुआ होगा तो कितना भयंकर मंजर रहा होगा, क्योंकि बसें पूरी तरह टूट फूट चुकी थी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन दिनों इतना ज्यादा कोहरा है कि सुबह सुबह तो कुछ भी नजर नहीं आता है। ऐसे में वाहन चालकों से अपील है कि सड़क पर निकलें तो जरा संभल कर। बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर में सर्दी अपना बेरहम रूप दिखा रही है। डल झील जमने की वजह से अब इसमें शिकारे भी नहीं चल रहे। डल झील के पास पुलिस संख्या बढ़ा दी गई है और नजर रखी जा रही है कि कोई भी झील पर स्टंट या फोटो लेने की कोशिश ना करे। शिकाराएं जो हैं वो इस बर्फ के ऊपर फंसी हुई हैं, कई शिकाराएं बिल्कुल ऐसे ही फंसी हुई हैं, वो उनको निकालना मुश्किल हो रहा है। हालांकि अगर हम हाउस बोट ओनर्स की बात करें तो उन्हें रास्ता अपने लिए खुद बनाना पड़ता है, ये बर्फ तोड़ के वो किनारे तक आते हैं। और कई कई जगहों पर आप देख रहे हैं कि जो बर्फ है वो तोड़ी गई है ताकि वो लोग किनारों तक आ पाए। पूरे डल लेक के इर्द गिर्द पुलिस जो है, पुलिस पर्सनल जो है, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है ताकि वो विजिल रखे। SDRF ने कई जगहों पर ये बर्फ तोड़ी है और विजिल रख रहे हैं कि कोई भी जो है इंसान यहां पर कोई स्टंट या पिक्चर लेने के लिए डल के ऊपर जाने की कोशिश ना करे।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान जहां -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं पहलगाम में न्यूनतम तापमान -9 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा श्रीनगर में -8 डिग्री, अनंतनाग में -10 डिग्री और कुपवाड़ा में -7 डिग्री दर्ज किया गया। हाथ को हाथ नहीं दिखता, गाड़ियां बम्पर टू बम्पर चल रही है, सामने की सड़क नहीं दिख रही। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली में आज जब लोग सड़क पर निकले तो उनका सामना सर्दी के सबसे भयंकर रूप से हुआ। ठंड का डबल अटैक देखकर लोग हैरान रह गए। तीन तस्वीरें देखिए। दिल्ली में सुबह 6 बजे हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था, सुबह 9 बजे 90 मीटर की विजिबिलिटी, दोपहर 12 बजे सूरज नदारद। ये तीन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली का क्या हाल हो रखा है। मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 16 जनवरी के बाद घना कोहरा देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी जनता के सामने आई तो हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा कि क्या आपकी पर्सनल जानकारी अब पर्सनल न रहकर पब्लिक हो जाएगी। डिस्कनेक्ट तो नहीं करूंगा खैर, लेकिन मैं रेयर उसको फिर यूज करा करूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे सर जी डॉक्यूमेंट रेडी काम ज्यादातर करता हूँ सर मैं। फिलहाल मेरे पास 2 बार ऐसी पॉपअप हुआ था, बट मैंने उसको डिसअग्री फिलहाल कर दिया है। जैसे कि कह रहे हैं कि वो फेसबुक को भी वो ट्रांसफ़र करते हैं, क्या पता जब उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ें फिर औरों को भी, कंपनी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो डाउट तो है। डिसकनेक्ट कर दूंगा और ऑप्शन के बाद ढूंढूंगा मैं, और अगर ऑप्शन होंगे तो। है ना, व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है ऑलरेडी, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको हर काम के लिए चाहिए व्हाट्सएप। आप किसी और ऐप पे स्विच करेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। व्हाट्सएप ने जिस नई प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान किया था उसके मुताबिक यूजर्स को टर्म्स एंड कंडीशन पर सहमति देनी जरूरी, अगर सहमति नहीं दी तो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। लेन देन, सेल गैजेट, आईपी डील का डाटा शेयर करना जरूरी, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ इंटीग्रेशन का ऑफर। नई पॉलिसी की सहमति के लिए 8 फरवरी 2021 की डेडलाइन थी। इन्हीं शर्तों के कारण व्हाट्सएप यूजर्स से लेकर जानकार इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने 5 जनवरी को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज किया है, जिसमें ये बोला गया है कि आपका जितना भी व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी निजी जानकारी है, जो आप नाम, फोन नंबर आपने व्हाट्सएप के अंदर, अगर आप कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स आपने रखी हुई है, तो इस तरह की जितनी भी जानकारी आपने व्हाट्सएप के अंदर अपने वो सारे स्टेटसेस और इस तरह की चीजें फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी, जो व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक, चाइल्ड और सब चाइल्ड कैटेगरी जितनी भी कंपनीज है उनके साथ शेयर किया जाएगा। व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी का विरोध बढ़ा तो व्हाट्सएप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। फिलहाल इस पॉलिसी को टाल दिया गया है, लेकिन यूजर्स के दिमाग में बैठा डर उन्हें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर जा सकता है। बाजार में इस वक्त ऑप्शन के तौर पर टेलीग्राम, VIP, प्राइवेसी और फ्रीडम चाहने वाले लोगों के लिए सेशन ऐप भी खुल चुके हैं, जिनमें व्हाट्सएप के तर्ज पर सभी सुविधाएं शामिल हैं। व्हाट्सएप यूजर इस समय काफी ज्यादा उलझन में हैं कि आने वाले समय में व्हाट्सएप का वो इस्तेमाल करें या ना करें, क्योंकि तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स, तमाम ऐसी प्राइवेसी, तमाम ऐसी फोटोग्राफ जो आप दिन भर शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, वो कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है या फिर कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर हो सकती है। इसको लेकर के अलग अलग अवधारणाएँ हैं लोगों की। कुछ लोगों का कहना है कि ये प्राइवेसी कहीं ना कहीं छीनने का एक तरीका है, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका हम इस्तेमाल करते रहेंगे, इससे हमें कोई परेशानी नहीं। तो कुल मिलाकर के मिली जुली प्रतिक्रियाएँ लोगों से देखने को मिल रही हैं।